भाइयों थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, अभी पहुंचा हूं। कई दिनों से बाबा रामदेव का एक रेडियो पे वो एडवर्टाइजमेंट आता है जिसके अंदर वो बोलते हैं कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो अर्थव्यवस्था है वो आज भी ईस्ट इंडिया जैसी विदेशी कंपनियों के हाथ में है, और इनसे बचने के लिए और देश को सुधारने के लिए आप लोग पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करो। तो मेरा सीधा सीधा सवाल जो है वो बाबा रामदेव से ये है, अगर बाबा जी एक बात बताओ, सारी बात सही है, लेकिन जो आपकी पतंजलि की फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर ये स्वदेशी सामान बनाने के लिए जो मशीनें आप यूज कर रहे हो, जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो हिंदुस्तान की बनी हुई है? नहीं ना, वो बाहर की है। पहली बात, तो आप स्वदेशी बनाने के लिए विदेशी का इस्तेमाल करते हो और आप बोलते हो स्वदेशी अपनाओ, आप कर रहे हो कोरी झूठी मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को बेचने की। क्यों? क्योंकि एलजी वो विदेशी, सैमसंग वो विदेशी, टोयोटा वो विदेशी, सुजुकी वो विदेशी, फोर्ड वो विदेशी, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ये विदेशी, वर्लपूल ये विदेशी, हेयर ये विदेशी, और आप खुद जिस गाड़ी में घूमते हो और आपका जो मित्र है, आपका पार्टनर है, आचार्य है बालकृष्ण, वो खुद लैंड रोवर गाड़ी में घूमता है बाबा जी, वो भी विदेशी। और आपका जो प्रधानमंत्री जो मेक इन इंडिया की बातें करता है वो घूमता है बीएमडब्ल्यू, वो भी विदेशी। तो कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हो, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। आप कर रहे हो झूठी बातें, ऐसी झूठी बात करके आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और स्वदेशी के नाम पे और देशभक्ति के नाम पे हम लोगों को ठग रहे हो। ये तो होगी आपकी बात। बातें और भी हैं, आप बार बार स्वदेशी की बात करते हो, आपके पास कुछ स्वदेशी नहीं है, और इतना ही स्वदेशी है ना तो कुटीर उद्योग को हेल्प करते उनकी सेल के लिए आप कर रहे हो पतंजलि ब्रांड की बात। हमने सरसों का तेल लेना होगा तो हम अपनी लोकल मिल में चले जाएंगे, वहां से तेल ले लेंगे गांव के किसान से, उसकी आप पैरोकारी नहीं करते, उसकी आड़त को तोड़वाने की बात नहीं करते। आप करते हो भाई मेरे पास बेच दो, मैं विदेशी मशीनों से तेल बनाऊंगा, पतंजलि तेल बनेगा, दुनिया को बेवकूफ बनाऊंगा। हम बेवकूफ नहीं बनने वाले, हमको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट। जो भी देगा वहां भी हमारे हिंदुस्तानी भाई काम कर रहे हैं, उन कंपनियों में भी। इतना ही दम है तो पहले ऐसी बड़ी कंपनी बनाओ कि उन लोगों की सारी नौकरी आप गारंटी करो, तब स्वदेशी तो स्वदेशी का नारा लगाना, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और कल जो कुश्ती लड़ी ना, वो जो रशियन हरा दिया, हमने बेरा और रशियन क्यों करा रहा, 12-0 से बाबा रामदेव ने हरा दिया, कमाल की बात है। बाबा जी एक काम करो, वो तो ओलंपियन था, मेडल विनर था, मैं तो 108 किलो का इंसान हूं, मोटा हूं, मैं पहलवान नहीं हूं, खुला चैलेंज आपको है, आप मेरे साथ कुश्ती लड़ लो, अगर नहीं कट टेक दें तो हम भी असली हरियाणा के नहीं। तो स्वदेशी के नाम पे झूठ बोलना बंद करें, देश हमें भी उतना प्यारा है जितना आपको, लेकिन हम अपने देश को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं बेचते हैं। इस चीज को जरा ध्यान रखें, क्योंकि उन विदेशी कंपनियों में भी हमारे हिंदुस्तानी भाई यहां हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और दूसरा की भाई भाजपा की, भाजपा में आजकल ड्रामा क्या चल रहा है, बोला देशभक्त ईमानदार फलाना ढिमका, और दूसरी पार्टी बोला गद्दार भ्रष्टाचारी। तो गद्दार और भ्रष्टाचारी सोचता है, बोला यार चुनाव लड़ना है जीतना है, बोला जी मैं भाजपा ज्वाइन कर लेता हूं। अगले दिन बोला माँ का वीर सपूत, भारत माँ का लाल ईमानदार। ये कौन सा तर्क है आपके विचारों में, इतनी गंदी मानसिकता कि आप एक चोर को अगले दिन ईमानदार बता देते हो और उसको टिकट भी दे देते हो। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि प्रदीप जी आप बार बारी भाजपा की क्यों बुराई करते हो, और आप पहले भाजपा के समर्थक थे, आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? तो भाई बात सुन, कांग्रेस के टाइम पे जो हुआ उसका फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन पिछले 2.5 साल से जिस तरीके से बेवकूफ बना के ने इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को पागल बनाया और अपना राज लेके आया, उसके बाद इन्होंने एक भी काम सही नहीं किया। हर बार चोर लुटेरों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, उनको टिकट देते हैं और उनको जिता देते हैं। तो फर्क क्या है? सिर्फ ये कि पहले कांग्रेस का ठप्पा था तो वो चोर था, आज भाजपा का ठप्पा है तो वो ईमानदार है। ऐसा ईमानदार कोई नहीं चाहिए भाई,
ऐसे तो मेरे को कई बार ये भी भय लगता है कि ये तो दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को भी ले आएंगे हिंदुस्तान में। दवा झूठा नहीं है नरेंद्र मोदी का कि दाऊद को हिंदुस्तान ला के रहेंगे, ले आएंगे और सांसद भी बना देंगे क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा। तो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ भाइयों। और इनकी जो राजनीति है ना वो है देश को बेवकूफ बनाने की और सत्ता हथियाने की, कुर्सी के लालची। ऐसे कुर्सी के लालचियों से बचो। और ये जवाब उन लोगों के लिए भी है जो बार बार मुझे कहते हैं आप भाजपा के समर्थक थे आप कांग्रेस में क्यों गए। भाई सरकार में रह के और सरकार के खिलाफ बोलना ना असली विचारधारा होती है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं। जब कांग्रेस गलत थी कांग्रेस के खिलाफ बोला, आज बीजेपी गलत है बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा। जो गलत है उसको गलत कहना सीखो। किसी की माँ बहन के बारे में बुरे शब्द बोलने से आपकी देशभक्ति जाहिर नहीं होती, चाहे वो किसी की माँ हो। माँ बहन की इज्जत करना सीखो, दुश्मनों में भी करी जाती थी। हम तो एक ही देश के हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये राजनीति से बाहर निकल के ना लोकनीति की बात करो, लोगों की बातों को समझो, लोगों का दर्द समझो, तब देश आगे बढ़ेगा। भेड़ चाल में मत जाओ। मैंने पहले भी कहा है अ लायन डजंट स्लीप ओवर द वॉइस ऑफ अ शीप। एक भेड़ की आवाज के भरोसे शेर सोता नहीं है। इसलिए शेर बनो, भारत माँ के लाल बनो तो असली बनो, पार्टीबाजी में मत रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।